नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं, शिमला मिर्च और फ्रासबिन की। शिमला मिर्च के और फ्रासबिन के दामों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शिमला मिर्च एक समय जहाँ 91 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रही थी, तो कुछ दिनों में शिमला मिर्च के भाव में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज फिर थोड़ी तेजी है और 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज शिमला मिर्च बिकी है। हालांकि कल शिमला मिर्च के दाम 35 से 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे, लेकिन आज थोड़ी तेजी देखने को मिली है। जब यदि हम फ्रासबिन की बात करें तो फ्रासबिन के दाम अभी भी 50 से 55 रुपये प्रति किलो के बीच में सोलन सब्जी मंडी में बने हुए हैं। लगातार फ्रासबिन और शिमला मिर्च की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में जारी है और पिछले कुछ दिनों से इनमें के दामों में थोड़ी तेजी भी देखने को मिली, फिर दाम एकदम गिरने भी शुरू हो गए। शिमला मिर्च ने तेज जिस गति से रफ्तार पकड़ी थी उसी गति से पीछे दाम अब कम हो रहे हैं। हालांकि आज लगातार कम हो रहे दामों पर विराम लगा है और 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में शिमला मिर्च बिकी है। टमाटर आप देख रहे हैं, सोलन मंडी में टमाटर की आपूर्ति भी लगातार जारी है। बोलियां भी अभी लगनी है, 370 रुपये तक अभी मैक्सिमम रेट लगा है, लेकिन यहाँ पर अभी बोलियां टमाटर की लगेगी तो पता लगेगा कि किस भाव टमाटर बिक रहा है। टमाटर के जो दामों में इस बार गिरावट देखने को मिली है उससे थोड़ा किसान परेशान भी है, चिंतित भी है, लेकिन शिमला मिर्च और फ्रासबिन से किसानों को कुछ राहत जरूर मिली है। शिमला मिर्च के दामों में लगातार तेजी भी देखने को मिली है। 30 रुपये से नीचे शिमला मिर्च के दाम काफ़ी समय से आए नहीं है, लगातार 30 रुपये से ऊपर ही बने हुए हैं। 30 रुपये से 91 रुपये तक शिमला मिर्च के दाम पहुंच गए थे, लेकिन 3 दिनों में ही दाम गिरकर 50 रुपये तक पहुंच गए। हालांकि कल 40 रुपये के आसपास शिमला मिर्च बिक्री थी, लेकिन आज थोड़ी तेजी देखने को मिली है और आज 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शिमला मिर्च बिकी है। इसी तरह फ्रासबिन की बात करें तो फ्रासबिन के दाम पिछले कुछ दिनों से 50 रुपये के आसपास ही बने हुए, 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में फ्रासबिन बिकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन सब्जी मंडी की, और फ्रासबिन की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का माल यहाँ पर पहुँच रहा है। फ्रासबिन अच्छी क्वालिटी की सोलन सब्जी मंडी में पहुँच रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, मौसम साफ है तो क्वालिटी में भी सुधार हुआ है और लगातार बारिशों की वजह से क्वालिटी में गिरावट देखी जा रही थी, उसकी वजह से शिमला मिर्च के दाम भी घट रहे थे, फ्रासबिन के दाम भी घट रहे थे। और बरसात के दिनों में जिस दिन भी बारिश होती थी उस दिन शिमला मिर्च का भाव गिर जाता था, और जब मौसम साफ रहता था तो शिमला मिर्च में तेजी देखने को मिल रही थी। और शिमला मिर्च के क्या भाव और रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ नरेंद्र ठाकुर जी हैं, जो शिमला मिर्च की बोली लगाकर अब फ्री हुए हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नरेंद्र जी, पंजाब की टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार। शिमला मिर्च के भाव कल काफ़ी गिरे थे, लेकिन आज थोड़ी तेजी देखने को मिली। हाँ बिल्कुल, थोड़ा आज शिमला मिर्च में उछाल देखने को मिला है, और मीडियम शिमला मिर्च की बात करें तो हमारी 30 से 40 रुपए तक बिकी है, और बढ़िया क्वालिटी की शिमला मिर्च की बात करें तो 50-52 तक बिकी है। इसी तरह बीन में भी निरंतर 2-3 दिनों से उछाल देखने को मिला है, और आज बढ़िया क्वालिटी की बीन जो 52 रुपए तक बिकी है। तो मेरा मानना यही है कि निरंतर जो हमारा जम्मू और श्रीनगर की ओर बीन जा रही है, और दिल्ली के अंदर ओखला के अंदर भी बीन जा रही है, तो वहाँ भी हिमाचल के बीन की डिमांड बढ़ती नज़र आ रही है, और निरंतर ऐसे रेट मिलने का आसार लग रहे हैं। लहसुन का क्या रेट है? जो हमारे बीज का लहसुन है वो 150 रुपये तक बिका है, और जो लोकल और ट्रिपल एयर फोर है वो 160 से 170 रुपये तक बिका है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, और केसर चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। टमाटर की अभी बोली थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो उसे भी हम आपको दिखाएंगे कि टमाटर के क्या भाव सोलन सब्जी मंडी में रहे। लेकिन जो शिमला मिर्च के दाम हैं, शिमला मिर्च और फ्रासबिन की बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त आपूर्ति हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फ्रासबिन बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में
पहुंच रही है और फ्रास्टबिन के दाम भी बढ़िया इस वक्त बने हुए हैं। पिछले काफ़ी समय से अगर फ्रास्टबिन की ही बात करें तो फ्रास्टबिन के दाम 40 रुपये से ऊपर बने हुए हैं। आज 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फ्रास्टबिन सोलन सब्जी मंडी में बिकी है और कल 52 रुपये के हिसाब से बिकी थी। तो इस तरह की फ्रास्टबिन के रेट मंडियों में चले हुए हैं। एक समय 70 रुपये तक भी फ्रास्टबिन का रेट पहुँच गया था और जब फ्रास्टबिन के सीजन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त सोलन सब्जी मंडी में 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फ्रास्टबिन बिकी थी, लेकिन उसके बाद फ्रास्टबिन के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिली और 20 रुपये तक फ्रास्टबिन के दाम पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद दामों में उछाल देखने को मिला। फिर रफ्तार पकड़ी, 75 रुपये तक दाम पहुंच गए, फिर 75 रुपये के बाद दाम गिरने शुरू हुए, लेकिन 30 रुपये के आसपास फ्रास्टबिन लगातार पिछले काफ़ी समय से बनी हुई है। लेकिन अब क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से यदि हम देखें तो 10-15 दिनों से मौसम सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में, चाहे सिरमौर की बात करें, मौसम साफ बना हुआ है, तो उसकी वजह से शिमला मिर्च और फ्रास्टबिन की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और जिससे दामों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो सोलन सब्जी मंडी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बोरियों में भरी फ्रास्टबिन नजर आ रही है। फ्रास्टबिन के दाम सोलन सब्जी मंडी में पिछले काफ़ी दिनों से 50 रुपये से ऊपर ही बने हुए हैं। एक हफ्ते से या 10 दिनों से अधिक का समय हो चुका है कि फ्रास्टबिन के दाम 50 रुपये से ऊपर बने हुए हैं। हालांकि 30 रुपये से नीचे काफ़ी समय से फ्रास्टबिन का रेट नहीं आया है और यही वजह है कि फ्रास्टबिन किसानों के लिए इस वक्त फायदे का सौदा भी साबित हुई है और ज़्यादातर उन किसानों ने फ्रास्टबिन लगाई है जिन्होंने गर्मियों के सीजन में टमाटर लगाया हुआ था, लेकिन भारी बारिश की वजह से टमाटर के फसल को नुकसान हुआ और किसानों ने टमाटर की जगह फिर फ्रास्टबिन लगा दी और फ्रास्टबिन अब मंडियों में आ रही है। तो फ्रास्टबिन के दाम इस वक्त 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में मिल रहे हैं और इसी तरह शिमला मिर्च ने भी आज तेजी पकड़ी है। तो शिमला मिर्च भी आज 52 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत